मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व हथियार के बल पर ड्राइवर व खलासी को नशा देकर हरियाणा से रक्सौल जा रही लोड ट्रक लूट का खुलासा किया है। लूट के 58 लाख के सामान के साथ हथियार व नशीली दवा और 7 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने कई जिलों में लूट की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने कार्रवाई की है। मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये सारी बात कही। मोतिहारी से दिव्यांशु रमन की रिपोर्ट। सिद्धि थाना क्षेत्र में दो एक ड्राइवर और एक खलासी नशे के हालत में मिले थे, बेहोशी की हालत में। जब उनको होश आया तो उसके बाद FIR दर्ज किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि एक ट्रक के वो ड्राइवर और खलासी हैं जिसको लूट लिया गया था उसी दिन रात में। उसके बाद टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राजू कुशवाहा, रामधनी, रामचेला राय, प्रकाश कुमार, धर्मवीर सिंह, संदीप कुमार और देवेंद्र यादव। इसमें धर्मवीर सिंह हरियाणा का रहने वाला है और यहां पर आकर वो वाहन लुटेरा गैंग का संचालन करता है। इस गैंग के द्वारा बेतिया मोतिहारी क्षेत्र में 2 ट्रक और 1 पिकअप की लूट की गई थी। बेतिया में भी इनके द्वारा 16 दिसंबर को 1 पिकअप लूटा गया था जिसपे अंडा लदा हुआ था। इसके अलावा 27/11 को घोड़ासन थाना क्षेत्र में एक ट्रक लूटा गया था जिसमें ट्रक बरामद हो गया था लेकिन गैंग का पता नहीं चल रहा था, तो इसी गैंग ने वो कार्य किया था। इनके द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 2 माह पहले कोई ट्रक लूटा था। हम लोग कानपुर पुलिस से संपर्क करके बाकी आगे जानकारी लेंगे। इनके पास से 4 देसी कट्टा, 11 गोली, 1 चाकू, हाथ पैर बांधने के लिए रस्सी और जो नशीली दवाओं का इंजेक्शन प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग ये लोग इंजेक्शन देकर और दवाएं देकर ड्राइवर और खलासी को बेहोश करते थे और उसके बाद गाड़ियों को लूटते थे। ये गैंग काफी बड़े पैमाने पर ऑपरेट कर रहा था। इस बीच में हाईवे, जो भी हाईवे है, बेतिया या मुजफ्फरपुर हाईवे या NH-28 जितना है उस पर ये ऑपरेट कर रहे थे और रात के वक्त में ये लोग गाड़ी को ओवरटेक करते थे। सुमो गोल्ड गाड़ी थी इनके पास, सुमो गोल्ड से वो किसी गाड़ी को ओवरटेक करते थे और पूछताछ के नाम पर ड्राइवर को बंधक बना लेते थे और बंधक बनाकर उनको नशीली दवाएं देकर बेहोश करके फिर गाड़ी को लूट लेते थे। जो सामान लूटा गया था 58 लाख का, वो सामान बरामद हो गया है। इनके पास से सुमो गोल्ड गाड़ी और होंडा कार भी बरामद हुआ। सर, ये जो सामान लूटे थे वो उससे सामान बरामद हुआ है कि नहीं? सर हाँ, सामान बरामद हुआ। सर, टीम में कौन कौन लोग थे? टीम